हाय फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ व्हाइट सॉस पास्ता बहुत ही क्रीमी एक्स्ट्रा चीज के साथ, जिसके सारे स्टेप्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो देखिए, ये रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। हमने इसके लिए पानी ले लिया है। पानी में हम एक चम्मच नमक और एक चम्मच ऑयल डाल देंगे और साथ में हम इसमें पास्ता ऐड कर देंगे। पास्ता हमारा कुक हो रहा है, इसे देखिए, अब हम ये सॉफ्ट हो गया है। इसे हम निकाल के चेक करेंगे। एक प्लेट में हम इसे निकाल लेते हैं और नाइफ की मदद से इसे हम चेक करते हैं। इसे काट कर देखें, अगर इसमें आपको वाइट लाइन दिखाई देती है तो अभी ये थोड़ा सा कच्चा है, तो 10 मिनट के लिए और पकाना होगा आप इसे। तो लेकिन अब ये मेरा पक चुका है तो इसलिए हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। जल्दी से इस पर ठंडा पानी डाल देंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। एक पैन लेंगे, उसमें 2 TBSP ऑयल डाल के अपना हमने प्याज, शिमला मिर्च और गाजर ले ली है। आप और वेजिस भी ऐड कर सकते हैं। इसे हम हाई फ्लेम पे सॉटे करेंगे। इतना हमें इसे कुक करना है कि इसकी क्रंचीनेस बनी रहे और कलर्स बने रहे। तो अब हम उसी पैन को क्लीन करके उसमें 2 चम्मच बटर लेंगे और 1 TBSP मैदा ले लेंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पे सॉटे करेंगे। अच्छे से इसे थोड़ा सा पका लेंगे हम, लेकिन इसे ब्राउन नहीं करना है, वाइट ही रखना है। इसमें हम 2 कप दूध डालेंगे, लेकिन पहले हम इसमें 1 ही कप डालेंगे, धीरे धीरे दूध ऐड करेंगे। ये देखिए, ये हमारा गाढ़ा हो गया है, तो अब इसमें हम 1 कप दूध और ऐड कर देंगे। इसे हम अच्छे से कुक करेंगे, बॉयल आने तक पकाएंगे इसे हम। वाइट सॉस हमारी अच्छे से बनकर रेडी होगी। इसमें अब हम नमक डाल देते हैं। देखिए, इसकी थिकनेस आ गई है सॉस में। चिली फ्लेक्स, ऑरेगानो और ब्लैक पेपर डाल देंगे। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां पर आप मेजरमेंट्स देख लीजिएगा। इसकी कंसिस्टेंसी हमें इतनी रखनी है कि हमारे स्पैचुला पे देखिए इस तरह से टिकनी चाहिए, एक कोटिंग बन जानी चाहिए। तो ये बनकर रेडी है। इसमें हम वेजीज ऐड कर देंगे और साथ ही मैंने कॉर्न उबाल कर रखे हुए थे, वो भी हम साथ में ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए, हमारी सॉस बनकर बिल्कुल रेडी है, बहुत ही क्रीमी है। और इसमें अब हम पास्ता डाल देंगे जो कि हमने बॉयल किया था। ये हमने पास्ता डाल दिया इसमें और इसे अच्छे से हम इस सॉस में मिक्स कर देंगे। अभी हम इसमें चीज़ भी डालेंगे। अब इस स्टेज पर जब पास्ता आपका मिक्स हो जाए, आप इस स्टेज पर इसमें चीज़ डालिए ताकि आपको कंसिस्टेंसी पता लग जाए कि कितना चीज़ी और क्रीमी आप इसको बनाना चाहते हैं। तो मैंने इसमें 2 क्यूब्स प्रोसेस चीज़ के डाल दिए हैं। इससे बहुत ही अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी हो जाती है। देखिए कितना क्रीमी हो गया है। वाइट सॉस पास्ता हमारा बनकर बिल्कुल रेडी है। इसे हम सर्व कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप और वीडियोस देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।